हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। डेट है 4 अगस्त 2019। वीडियो से जुड़े पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। बीडब्ल्यू कैंपस नाम से चैनल चलता है, ज्वाइन कर लें उसे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एंड डेली करंट अफेयर के लिए बने रहें बीडब्ल्यू कैंपस से। लाइक करें वीडियो को और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में रखें। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है उस भारतीय मूल के डॉक्टर का नाम जिसे मिस इंग्लैंड 2019 का ताज पहनाया गया था। तो दोस्तों, यह सही ऑप्शन है भाषा मुखर्जी। भारतीय मूल के 23 वर्षीय डॉक्टर भाषा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 का ताज पहनाया गया। भाषा के पास दो अलग अलग मेडिकल डिग्रियां हैं। उनका आईक्यू 146 है और 5 अलग अलग भाषाओं में धारा प्रवाह बोल सकती हैं। मिस इंग्लैंड की विजेता के रूप में वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में प्रवेश कर रही हैं। बधाई हो भाषा मुखर्जी जी को। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन ऑन महात्मा गांधी एंड खादी इन। कहां पर इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है यह बताना है। यह है गाम्बिया, जहां इन्होंने यह इनॉग्रेशन किया हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गाम्बिया के इबुजन थिएटर में महात्मा गांधी और खादी पर प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया हुआ है। काफी प्राउड की बात है ये। नंबर 3 क्वेश्चन, देश और यूएस के शोधकर्ताओं की टीम ने एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित किया जो भारत के प्रदूषण स्तर की भविष्यवाणी करता है। तो कौन है जिसने यह डेवलप किया है डिवाइस को? तो दोस्तों, यह चाइना और यूएस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं की टीम ने एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है जो इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण के स्तर की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण के स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए एक नीनो और अंटार्कटिक दोलन घटनाओं के डेटा उपयोग किया जा सकता है। यह सरकार को सर्दियों में एरोसोल प्रदूषण की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए योजना तैयार करने की प्रदान करेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ डिवाइस यहाँ पर भी डेवलप हो। RBI अलाउज दिस बैंक टू ऑफर रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो RBI ने किसको परमिशन दे दी है बैंकिंग सर्विसेज में? तो ये है बैंक ऑफ चाइना, जिसे यह मिल गई है परमिशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति दे दी है। इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले बैंकों को RBI के मानदंड का पालन करना होता है। बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो चाइना के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात है, बैंक ऑफ चाइना को यहाँ रेगुलेट करने का मौका मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत मंत्रालय के वरिष्ठ जूनियर फेलोशिप के अनुदान के लिए योजना में किन दो भाषाओं को शामिल किया जाना है? अभी तक फेलोशिप में कई भाषाएं हैं भारत की, तो अभी करंट में कौन दो भाषाएं शामिल की जा रही हैं इनको बताना है। तो ये है नेपाली एंड संथाली भाषाएं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में से दो भाषाओं नेपाली और संथाली को वरिष्ठ योजना घटक पुरस्कार के क्षेत्र साहित्य के उप क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। और ये खास बात है, अभी तक इसमें 22 भाषाएं थीं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब थे। अभी ये दो और प्लस 2 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी ने डाटा प्राइवेसी और गवर्नेंस सर्विस ब्लू टेलन का अधिग्रहण किया? ब्लू टेलन को किसने एक्वायर कर लिया है यह बताना है। तो यह कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने ब्लू टेलन का अधिग्रहण कर लिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटेशन कम पब्लिसिटी पवेलियन इन न्यू दिल्ली? तो इनको
इनॉग्रेट किया है रमेश पोखरियाल ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने छात्रों को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना सुविधा सह प्रचार मंडप का उद्घाटन किया है। सेटअप में एक सिमुलेटर भी होगा एंड साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं भारतीय वायुसेना के एंड जो उनका अभ्यास संचालन होता है कैसे वो अपनी रणनीति बनाते हैं भारतीय वायुसेना के विमानों के मॉडल भी वहाँ पर उपस्थित होंगे एंड वहाँ पर डिजिटलाइज्ड रूप से यह भी बताया जाएगा कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है प्रमोट करने के लिए IAF को। क्वेश्चन नंबर 8, द CM ऑफ दिस स्टेट लॉन्च्ड वाली डिग्री योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो यह योजना कहाँ स्टार्ट हुई? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर राजकोट गुजरात से मिनिस्टर वाली डिग्री योजना की शुरुआत की है। बालिकाओं के कल्याण के लिए योजना के अनुसार राज्य सरकार रुपए का भुगतान करेगी। ये बहुत ही अच्छी खबर है बालिकाओं को लेकर इतना ज़्यादा प्रोत्साहन गुजरात की सरकार दिखा रही है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराध का पता लगाने के लिए ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AMBIS लॉन्च किया है? तो यह उत्कृष्ट क्वालिटी का सिस्टम कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस जांच में सहायता के लिए एक विशेष डिजिटलीकृत पुलिसिंग प्रणाली शुरू की है जिसे स्वचालित मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली कहा गया है और जल्द ही इसका पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये डिवाइस है और सभी स्टेशंस में लगा है तो अपराधी कहीं भी पकड़ा जाए और कहीं भी अपराध किया हो तो उस पुलिस स्टेशन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बैठाने में पूरे ऑल इंडिया की पुलिस को मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की जांच और नियंत्रण के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक का नाम क्या है? तो इसमें विधेयक का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कंपनीज बिल, जो कि अमेंडमेंट बिल है। संसद ने कंपनी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मानदंडों को कड़ा करने और कंपनी कानून के नियमों का पालन न करने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है CSR लागू होना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे चीट हो जाते थे बैंक्स में और भी रेगुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय व्यक्तित्व ने गिनी गणराज्य के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो व्यक्ति कौन है आप जानते हैं, अभी यात्रा पे जो निकले हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी, उन्हीं को यह मिला हुआ है सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी के राष्ट्रपति द्वारा भारत और गिनी के बीच समग्र संबंधों की प्रगति और आपसी सहयोग के विकास में असाधारण योगदान और दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऑर्डर ऑफ मेरिट को से सम्मानित किया गया, जो कि यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसके पास लघु बीमा की पेशकश करने के लिए मोबिक्विक के साथ समझौता पर साझेदार हुए हैं। तो मोबिक्विक के साथ किसने समझौता किया है यह बताना है। एडवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एडवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लघु बीमा योजनाओं को बेचने के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म मोबिक्विक के साथ साझेदारी की है। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छी साझेदारी कही जा सकती है एंड बाहरी कंपनियों का पदार्पण इंडिया में इस प्रकार से होना एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा, अंदर इकोसिस्टम को बिल्ड करेगा एंड इंश्योरेंस सिस्टम को और भी मजबूत करेगा क्योंकि डिजिटलाइज्ड होती जा रही है दुनिया, तो डिजिटल की तरफ बीमा का बढ़ना एक अच्छा कदम है। क्वेश्चन नंबर 13, चीन के राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली
CNAPS के साथ लिंक करने वाला पहला भारतीय बैंक है। तो वह कौन सा भारतीय बैंक है जिसने यह परमिशन दे दी है? तो यह है SBI संघाई। भारतीय स्टेट बैंक संघाई शाखा अब चीन के राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली CNAPS से जुड़ी है। SBI एकमात्र भारतीय बैंक है जिसने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और इसे पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा CNAPS में भी शामिल किया गया है। तो SBI संघाई की भी ये मतलब पूरे SBI के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं दोनों डिसीजन को रिलेट करते हैं कि जो चाइना के बैंक को यहाँ रेगुलेशन करने का मौका मिला है उसी के बिहाव पे इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडेक्स इन द 2019 वाटर स्ट्रेस इंडेक्स? तो देखते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है इस मामले में। तो यह है 46वां स्थान। लंदन स्थित रिस्क एनालिटिक्स फर्म वेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट द्वारा तैयार वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत दुनिया का 46वां सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इसने घरों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों की जल खपत दर और नदियों, झीलों और नदियों में उपलब्ध संसाधनों को मापा और शहरों को अनेक जल संसाधनों के लिए सबसे बड़े खतरे का सामना करने के लिए अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के रुझान के साथ सूचकांक के लिए बताया है। भारत के जल तनावग्रस्त शहरों के लिए चेन्नई हिमखंड का जो सबसे बड़ा नाम आता है। भारत के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 पानी के तनाव के चरम जोखिम का सामना कर रहे हैं और 7 उसमें से उच्च जोखिम की श्रेणी में हैं, जिनमें दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नासिक, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर काफ़ी चरम जोखिम सीमा पर बताए जा रहे हैं। तो एक तरीके से जल संकट तो इंडिया में बना ही हुआ है एंड भारत सरकार को इसके लिए कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा जिससे यह सुधार और भी तेजी से हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया था जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना करना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो है वह है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना हुई है। तो बहुत ही अच्छी खबर है यह उपभोक्ताओं के लिए, उनकी रक्षा और भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो दोस्तों करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, नेवर गिव अप।